अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने जमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बालों को करना है जी वेट, और क्यों करना है कि इस वजह से करना है कि बालों के जब अभी हम लोग करने लगे हैं, ब्लो ड्रायर की सेटिंग करने लगे हैं, तो उसमें बालों को थोड़ा सा ना हल्का हल्का वेट करना ज़रूरी होता है। और इसमें ये होता है कि शैम्पू भी फ्रेश होने चाहिए, आप लोगों ने दो बार शैम्पू किए हुए हों बालों को, मतलब दो बार आपने वॉश किए हुए हों, तभी आपकी सेटिंग बहुत अच्छी सी आती है। अच्छा, बच्ची के ना स्टेप कटिंग तो थे, लेकिन इतने स्टेप्स नहीं थे, जिसको कहते हैं ना शॉर्ट स्टेप, वो नहीं थे, मतलब थोड़े से लॉन्ग थे। मज़ा बड़ा आता है कि जब आपके शॉर्ट स्टेप हो ना, तो उसमें आपके जो वेव होते हैं ना, वो ऊपर नीचे आते हैं, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, अब ये सेक्शन आप देख रहे हैं, सेक्शन हम लोगों ने बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 में बना रही हूँ, लेकिन आप लोग इसमें 8 भी बना सकते हैं। ये बालों पे डिपेंड करता है कि बाल कितने हेल्दी बाल हैं, हैवी बाल हैं, और आपने उसके सेक्शन कितने बनाने हैं, और आप लोगों ने आसानी से किस तरीके से खोलना है। ये ब्रशेज मैं आपको डिफरेंट दिखा रही हूँ, जिसमें वुड के भी हैं, और ये जो स्टील के बने हुए ना, जिस पिंक वाला ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला बहुत ही बेस्ट रहता है। नंबर वन पे आपने इसी तरह के ब्रशेस लेने हैं, और वो जो वुड के हैं ना, वो भी ठीक हैं, चल जाता है काम, ये नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ये कि ये सबसे बेस्ट रहते हैं। अच्छा, बालों की सेटिंग करने के लिए आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि एक हाथ में आपका राउंड ब्रश होना चाहिए और दूसरे हाथ में आपका हेयर ड्रायर होना चाहिए। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, ऊपर फ्रंट से आपने करना शुरू करना है, ड्रायर करना शुरू करना है, और सेंटर में करना है, फिर आपने छोड़ना है, फिर आपने फ्रंट पे लेना है रूट्स पे, और फिर सेंटर पे आना है, फिर आपने छोड़ना है। इसी तरीके से आपने ये 5 to 6 बार करना है, अभी आपने नीचे नहीं आना, ठीक है। इसके बाद तकरीबन ये जो एक लिट के साथ आपने 10 से 12 टाइम आपने ये वाला काम करना है, और इसके बाद हल्का हल्का हाथ को करके आपने नीचे लेके आना है, और नीचे आपने इसको राउंड की तरफ ऊपर नीचे आपने इसकी फोल्डिंग करनी है, ठीक है। तो इनवर्ट भी ऐसे ही होते हैं, इनवर्ट का ये होता है कि अंदर की तरफ राउंड होते हैं, आउटवर्ड का होता है कि वो ऊपर की तरफ कर्ल्स बनते हैं। तो ये मैं अभी आपको ना करके दिखाती हूँ, अब इसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। इससे ये होता है कि ऊपर से ना थोड़े से ना स्ट्रेट लुक आ जाते हैं, आपने पहले देखा होगा कि बाल थोड़े उड़े उड़े से थे, तो ये थोड़े से ना बैठ जाते हैं। इसके बाद ये मैं नीचे से करते करते राउंड और कर्ल्स, आप जिस तरीके से कर रहे हैं ना, इसमें मैंने कुछ भी कट नहीं किया, मैंने यही कहा, मैंने कहा ये मैं पूरे तरीके से आपको बता दूँ, एक दो बता दूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, इस पर यहाँ पे ना कैचर लगा लेना है या चुटकी लगा लेनी है, क्योंकि उससे ये होता है कि ये आपको हीट मिलती है इसके अंदर, जो ये मेटल का बना हुआ है ना, ये गर्म हो जाता है, और ये जब ऊपर हम इसको कर्ल्स की तरह लपेट देते हैं, तो उसमें यह होता है कि वो जो उसकी हीट निकलती है, वो उसको मज़ीद और अच्छा सा कर्ल्स डालता है, और वो 5 to 10 मिनट्स तक वो रहेगा, क्योंकि करते करते इतना तो हमारा टाइम लगता है, ये अच्छा खासा टाइम लगता है, तो हम लोगों ने इसको टाइम दे देना है, वो टाइम हमें इससे मैक्सिमम बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना फास्ट करके दिखाऊंगी, जल्दी जल्दी दिखाऊंगी कि जिस तरीके से लेंगे। ये वुड का ब्रश लिया हुआ है, तो ये भी अच्छे तरीके से आपने इसको करना है, लेकिन इसका भी कर्ल्स बन जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं मज़े की लगती है जितनी के इसमें, फिर आपको ये डिफरेंट भी नज़र आ जाएगा, लेकिन अच्छा लगता है कि अगर आप फिर भी अच्छी सी मेहनत करोगे ना, तो बन जाता है। ये नहीं आपने टेंशन लेनी कि शायद ना बने या नहीं बने या क्या होता है हमारे साथ, लेकिन थोड़ी सी ना मेहनत हर काम में लगती है। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती चलूँ, ये देखें हमने ये थोड़ा सा ना वो सेटिंग वो भी मैंने कर दी है। ये मैं आपको फर्स्ट वाला जो कर्ल्स था ना, ये खोल के दिखा रही हूँ, ये देखें कितना प्यारा ओपन हुआ है, और नीचे नीचे हल्का हल्का सा वेव आया है, ठीक है। इसको अपने बड़े प्यार से रखना है, ना मैंने इस पर जेल लगाया है, ना मैंने अभी हेयर स्प्रे लगाया है। ये दूसरा सेक्शन भी आपको खोल के दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपको हल्का हल्का सारा सेक्शन खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। और बाल वही बात है कि फ्रेश नहीं थे, लेकिन फिर भी एक चीज़ है मैं आपको करके दिखा रही हूँ, फिंगर आप यूज़ करें तो आर्टिफिशियल कॉम्ब यूज़ करें, लेकिन बाल वही बात होती है, फ्रेश होने चाहिए, और कटिंग आपकी बहुत ही शॉर्ट सी होनी चाहिए, तो बहुत ही मज़ेदार सा और इफेक्ट अच्छा आता है। और अगर हार्ड करने हैं तो आपने इस पर स्प्रे करना है। दुआ में याद रखिएगा नौशीन आपी को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।